हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम बात करने वाले हैं एक खास क्वेश्चन की जो बोर्ड एग्जाम में आपको 6 मार्क्स देने में काफी उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, सबसे अहम बात जो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि डायरेक्टली अगर आपने अभी तक पूरी पढ़ाई नहीं की है तो सैंपल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व मत कीजिए। जी हां दोस्तों, डायरेक्टली सैंपल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने जाएंगे तो आप ऐसे कई क्वेश्चंस में फंस जाएंगे, आप अटक जाएंगे और आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको सॉल्व करनी चाहिए वो ये कि आपको फुल कोर्स यानी पूरे चैप्टर्स एक बार देख लेने चाहिए। आपको एटलीस्ट अंदाजा होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या है, तभी तो आप कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो आप आसानी से उन्हें एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में अंदाजा नहीं है कि कौन से चैप्टर में यूटिलिटी है, यूटिलिटी के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, या डिमांड और डिमांड एनालिसिस के अंदर क्या क्या है, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट कौन से हैं, तो आप सभी कॉन्सेप्ट्स को आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन करना तो दूर की बात हो जाएगी। तो यह बहुत अहम और सबसे पहली मेरी टिप है आप सभी के लिए कि अगर आप डायरेक्टली पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। पहले कंप्लीट द फुल कोर्स यानी पूरा कोर्स आपका जो है वो अच्छे से पढ़िए, आप चैप्टर्स को जान लीजिए अच्छे से, तो आप ऐसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियोस दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट जैसे या OCM के अंदर केस स्टडी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आपको मदद मिलेगी या अग्री डिसएग्री जैसे क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो माय फर्स्ट टिप, वंस अगेन आई रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फुल कोर्स फर्स्ट। आप सभी चैप्टर्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन से चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, एंड देन यू कैन गो अराउंड विद इट और आसानी से आप उसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा जाएगा। 2A के अंदर ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। 2A में इसका नाम है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, और खास बात यह है, याद रखिए एनी 3 out of 5 यानी आपको 5 कॉन्सेप्ट्स या 5 सिचुएशंस दी होंगी, आपको उनमें से किसी 3 के कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। कुल मार्क्स हैं यहाँ पर 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से 3 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, तो याद रखिए 1 mark इज फॉर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी सही ढंग से कॉन्सेप्ट पहचानना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि मैंने कहा, फुल कोर्स, फुल चैप्टर, सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होगा तो ये आप पहचान जाएंगे कि कौन से चैप्टर का है, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, यूटिलिटी का है, डिमांड का है, सप्लाई इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या ये कौन सा एग्जैक्टली मॉनिटरी या कौन से अलग अलग चैप्टर्स में से ये पूछा गया है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज दोस्तों याद रखिए, 1 mark इज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग द कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो दूसरा मार्क है, 1 mark is for correct explanation of the concept, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने सही तरीके से पहचाना है उस करेक्ट कॉन्सेप्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने का 1 mark। कुल मिलाकर के 2 mark का एक क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं, 2, 3 या 6 marks के लिए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये मार्किंग स्कीम है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिए और इसी वे में आंसर को आपको प्रेजेंट भी करना है। चलिए अब देखते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चंस के साथ कि कैसे आप एग्जैक्टली इसे प्रेजेंट करके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों एक सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, ललिता सैटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने शुरुआत के चैप्टर्स भी देखे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है पढ़ के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज रिलेटेड टू यूटिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने सबसे पहली टिप ही मेरी ये थी कि फुल कोर्स, फुल चैप्टर्स, एटलीस्ट चैप्टर्स को जान लीजिए तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी भी कुछ पढ़ाई नहीं जारी की है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से चैप्टर्स को जान लीजिए, प्लेलिस्ट से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन यूटिलिटी का है और इसीलिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब सैटिस्फाई हो रहा है वांट तो वो तो यूटिलिटी है। तो इसीलिए यहां पर आंसर आप बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर लिखेंगे द कॉन्सेप्ट का आइडेंटिफिकेशन, पॉइंट नंबर वन डाल के आप लिख सकते हैं इधर यूटिलिटी। दोस्तों इसको आगे आप प्रेजेंट करेंगे पॉइंट नंबर टू के अंदर और यहां पर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। यू हैव आइडेंटिफाइड द कॉन्सेप्ट, नाउ यू विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो यूटिलिटी को मैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं विद इट्स डेफिनेशन इटसेल्फ। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो आसानी से दोस्तों यहां पर मैंने दो मार्क हासिल कर लिए क्योंकि यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया और यहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर दिया। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए दो मार्क का क्वेश्चन मिनिमम 3 सेंटेंसेस, 1-2 पॉइंट्स के अंदर आप आंसर को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन मैंने लिया। एक और सैंपल क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक टिप तो यही है दोस्तों, पहले फुल कोर्स, फुल चैप्टर्स जो हैं उनके बारे में जान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 महीने हैं तो सब कुछ पढ़ डालो, सब कुछ पढ़ डालो, लेकिन एटलीस्ट हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप चैप्टर्स को जान लेंगे, आईएमपी क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना, तो आपको अंदाजा आएगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू विल बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई देम। चलिए दोस्तों एक और सैंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है 70% fall in price leads to 50% rise in quantity demanded। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पढ़कर आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई ये तो इलास्टिसिटी इन डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में से है, तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी के, प्राइस इलास्टिसिटी के अगर आप टाइप्स देखें तो यूनिटरी इलास्टिक है आपके पास, परफेक्टली इलास्टिक है आपके पास, परफेक्टली इन इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है आपके पास। ये कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें से ये कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है बस और उसे एक्सप्लेन कर देना है। वंस अगेन आई रिपीट, 70% फॉल इन प्राइस, प्राइस गिरा है, लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, लेकिन उतना ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है, तो इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जी हां दोस्तों, तो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया और ये मैं इसलिए कर पाया दोस्तों क्योंकि चैप्टर्स को जानते हैं हम, हमने वो चैप्टर्स पढ़े हैं, रीड किए हैं एटलीस्ट। तो आपको भी मैं फिर एक बार ये टिप दूंगा कि एटलीस्ट आप चैप्टर्स को रीड कर लीजिए, चैप्टर्स को जान लीजिए, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन देम। और इसीलिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, आप आसानी से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। यहां पर हम वंस अगेन पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये कॉन्सेप्ट का नाम, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब दूसरे पॉइंट में दोस्तों हम सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन लिखने वाले हैं। तो एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है दोस्तों, हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट डाल देंगे, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट
चेंज इन डिमांड। सिंपल है ना दोस्तों, आप देखिए प्राइस जो है वो 70% गिरा है लेकिन राइज डिमांड में सिर्फ 50% हुआ है, तो चेंज जो है वो लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज है। कैसा चेंज है? लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड है, दस इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार दोस्तों 2 से 3 सेंटेंसेस में आप आसानी से बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। प्रेजेंटेशन इस प्रकार ही रखिए, हैंडराइटिंग आपकी मेरे से भी अच्छी होगी, नहीं है तो सुधार लेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। और इसी तरह दोस्तों आप इसे प्रेजेंट कीजिए, 2 मार्क आपके आसानी से आपको मिल जाएंगे और 3 आंसर अगर आपने ऐसे लिख दिए तो पूरे 6 मार्क्स आप यहां पर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A इकोनॉमिक्स के अंदर आइडेंटिफाई and explain the concept, full course एक बार जरूर देख लीजिए फिर ही sample papers और practice papers solve कीजिएगा, आप आसानी से ऐसे questions को solve कर पाएंगे। दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए videos के साथ, कुछ इसी तरह के informative videos लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे channel पर इसी तरह support करते हुए, share कीजिए हमारी playlist को, हमारे channel को maximum students के साथ। तब तक के लिए हम मिलेंगे फिर एक बार, do like, share and subscribe।